देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंग्लिश में एक फ्रेज के तौर पे यूज होता है, तो इस वीडियो में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या अर्थ और मतलब होता है दोनों में जानेंगे। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में शब्द को यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या मतलब होता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का। देखिए, हिंदी में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है पहला और महत्वपूर्ण, मतलब सबसे पहला, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ, मुख्यतः सबसे आगे का, सबसे बुनियादी स्तर का, मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इंग्लिश में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट को बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइमरीली, फर्स्ट ऑफ ऑल, एबव ऑल, फर्स्टली, इन द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट, इनिशियली, बिफोर एनीथिंग एल्स, एंड इट इज, मतलब और भी इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के। अब इसको एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में यूज करके अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में, तो इस तरह से इस शब्द को प्रयोग करेंगे कि इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू डू, मतलब यह पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपको करनी है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जोर डालने के लिए हम किसी सेंटेंस में और किसी बात पर यूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि ट्रस्ट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पिलर ऑन विच द रिलेशनशिप इज बिल्ट, मतलब विश्वास या एतमाद पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है जिस पर रिश्ता कायम होता है, खड़ा रहता है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट को फ्रेज के तौर पे हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।